एक शुभ संकेत के रूप में लिया जाए कि वक्त बदल रहा है। अब हमारे ऐसे सांसद के क्षेत्र की जनता यानी गांव ने अपना किस्मत अपने हाथ में ले लिया है, अपने भाग्य को खुद संवारने के लिए तैयार है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार है और किसी भी बुलावे में नहीं आते, हर एक वोट का जवाब मांगने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपका आपके ही रंग से आया हुआ आपका अपना बेटा आपका अपना भाई आनंद मिश्र सब कुछ अपना त्याग के सिर्फ इसलिए नहीं आया यहाँ पे कि मैं कोई किसी तरह का यहाँ पे मनोरंजन करूं या किसी का मनोरंजन कराऊं। मुझे यकीन है कि हर इंसान जो सोचता है समझता है वो इस बात को महसूस करेगा कि ऐसे बहुत सारी भारतीय कलाई जाएंगी, कलाई जा रही है। अभी हमारे बच्चों ने पूछा कि कोई हवा नहीं है, आपका रहने का अस्तित्व ही जैसा ना हो तो ये भारतीय फैलाई जाएगी। बट मैं आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हम सबके पास दिमाग है, सबके पास है, सबको समझने की क्षमता है, बहुत बहुत हो गया इसको इस्तेमाल किया जाए। मुझसे भी कहा गया कि भैया आप ये जो कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये लोग जाएंगे कहां, इसे वोट हमको ही देंगे। तो आप समझ लीजिए आपको किस हिसाब से ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको कंधवा मजबूर बना दिया गया है। कहां जाते आप जाओगे कहां, आप इन्हीं को वोट दोगे, आप उन्हीं को वोट देंगे, ये लोग जाति पात को कोई सोच ही नहीं सकते। यही भ्रम जोड़ने के लिए आपका यह देखा है, इसी दुनिया से उनको निकालने के लिए उनका ये भाई आया है, सबको ये समझाने आया है कि आपका आंदोलन सिर्फ एक ही मुद्दे पे होगा कि अब काम सब आए क्योंकि अपनी मिट्टी बदलेगी तो हम सबकी मिट्टी बदलेगी। हमारे गांधी का नदी अगर साफ होगा तो सबके लिए साफ होगा, अगर हमारा रास्ता बनेगा तो सबके लिए बनेगा, हमारा अगर हॉस्पिटल बनता है तो उसमें सबका इलाज होगा और हमारे स्कूल और कॉलेज में सबके बच्चे चलेंगे। तो इंसान की पार्टी से निकलना जरूरी है, हमें इस धर्म के जो राजनीति चल आपको यकीन दिलाता हूं कि देश चुनाव खत्म होने के बाद उस एक एक रुपए का श्वेत पत्र हिसाब मैं आपके समक्ष पब्लिक हाजिर कर दूंगा। एक एक जो आपने पसीने का भूल किया वो 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में आपके समक्ष आ जाएगा और उसके बाद आपका जो एक एक विश्वास एक एक मत है हमेशा आपके समक्ष खड़ा मिलूंगा एक एक आपके मत और मत का जवाब देने के लिए कि मैं क्या काम करके आपको वापस बताता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद, आशा है कि इस हर वाक्य का आपको आपने आत्मसात किया है और भगवान से मैं यही आराधना करूंगा आपसे कहूंगा कि आपस